ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी यूनियन ने बैंक कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में आज हड़ताल रखने की पहले से ही घोषणा की थी। यूनियन के आह्वान पर आज कैथल जिला में अधिकतर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और बैंकों को ताले लगाए रखे। कैथल लघु सचिवालय के निकट स्टैंड बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भारी संख्या में पुरुष और महिला कर्मचारियों ने धरना दिया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बैंक कर्मचारी यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों के साथ सरेआम नाजायज कर रही है। बैंक कर्मचारियों को बहकाकर ड्यूटी से काफ़ी समय तक खूब काम लिया जाता है और उस समय उन्हें तरह तरह के वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सरकार अपने वायदों को भूल जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने सांसदों, विधायकों के वेतन और अन्य भत्ते खूब बढ़ा लेते हैं। बैंकों की हड़ताल के कारण आम जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कैथल से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए नवील मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांगे जो हैं आज की स्ट्राइक की, जो जिस वजह से हमने करी हैं, कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका निजीकरण बंद होना चाहिए। निजीकरण करने के बहुत नुकसान है, पब्लिक को बड़ी हरासमेंट होती है, उनके खर्चे ऐसे अनगिनत हैं जो लोगों को बताते नहीं, लोन देते वक्त पैसे जमा कराते वक्त लेकिन बाद में उनके खाते से काट लेते हैं। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े घरानों के जो NPA हैं उनको रिकवर किया जाए, ना कि आम आदमी, आम किसान के लोन पे उनको डिक्लेयर किया जाए। ये